और जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदी रहन ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्यो। खेती कानून खिलाफ दिल्ली दी सरहदां ते डटे किसानां दा अज यानी कि 4 दिसंबर नूं 7वें दौर दी गलबात होवेगी। किसान आगू अज केंद्र मंत्री दिल्ली स्थित विज्ञान भवन च दोपहर 2 बजे बैठक करनगे। हुण तक 6 दौर दी गलबात हो चुकी है जिस विच कोई भी हल नहीं निकलिया है। अजे भी गल उत्थे ही अड़ी हुई है जिथे पहला सी। सरकार ने पराली दे मुद्दे ते अते बिजली सोध दे विच 2020 नूं लैके मंगा मन्नियां हन, पर तीनों खेती कानून वापस लैण अते घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि MSP नूं कानूनी रूप देण दे विच किसान दीआं मंगा सरकार ने अजे नहीं मन्नियां हन, जिस ते अज मंथन होवेगा। जेकर सरकार किसानां दीआं इह दो मंगां नहीं मंनदी तां उह अपना अंदोलन की होर वी ज़्यादा तेज़ करनगे। इह तां आउण वाले समें च पता लगेगा जदों इह मीटिंग दी समाप्ति हो जावेगी। फिलहाल किसानां दा कहना है कि जेकर सरकार उन्हां दीआं मंगां नहीं मानदी तां 6 अते 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड कीती जावेगी। किसानां दा इह वी कहना है कि सानूं किसे वी सोध दी जरूरत नहीं है क्योंकि इह जो कानून हन इह किसान विरोधी हन, इसे लई तीनों कानूनां दी वापसी होवे। जेकर अज दी चर्चा च सरकार नहीं मानदी तां गणतंत्र दिवस दे दिन दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड कीती जावेगी। दस दईए कि दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे किसानां दा अंदोलन अज 40वें दिन दे विच प्रवेश कर गया है। कड़ाके दी ठंड अते मीह दे बावजूद किसान सड़कां ते डटे होए हन। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उह अज दी बैठक नूं लै के आसवंद हन, उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे आउणगे। उन्हां ने कहा है कि जो भी फैसला होवेगा उह देश अते किसानां दे हित दे विच होवेगा, पर देखणा इह होवेगा कि की नरेंद्र तोमर इस बार भी किसानां नूं लारा ही लगाउणगे या फिर उन्हां दे वल्लों वाकई ही कोई हल कढ़िया जावेगा। फिलहाल इस वड्डी अपडेट नूं देखण तों बाद तुसीं अपने कमेंट्स की देना चाहुंदे हो किसानां लई, अपने वल्लों अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स विच जरूर देना। और जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्यो।